बड़े जो रहते हैं उसको लगा के पैर छूते हैं रात को, फिर जो हमारे बराबर है उसको हम लगा के गले, फिर अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, गुलाल लगा के पैर छूते हैं। अंश की, अंश बताइए आप कैसे होती है आपके यहाँ होली? समय की बात है, हिरण्यकश्यप एक राजा थे, बाद वो प्रकट होते हैं भगवान ब्रह्मा हिरण्यकश्यप के सामने, यहाँ तो मुझको वरदान दीजिए कि इस पृथ्वी बच जाते हैं और होलिका जल जाती। हमारा देश त्योहारों का देश है जिसमें होली रंगों के त्योहार के नाम से प्रसिद्ध है। होली जो है फाल्गुन मास में मनाया जाता है, जो हम लोग इंग्लिश में जनवरी फरवरी मार्च पढ़ते हैं, जो मार्च महीना होता है उसी में होली मनाया जाता है, या फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो आइए होली के विषय में कुछ बातें करते हैं, कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं, इससे जुड़ी हुई जो कथाएं हैं उसको सुनते हैं, सुनाते हैं। बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है होली की छुट्टी होने वाली है। होली कब है, किस डेट पे है? 18 को। तो 17 और 18 तारीख को आप लोगों की छुट्टी होने वाली है। 17 को होलिका दहन है और 18 को होली मनाया जाएगा। तो बच्चों क्या आप लोगों को पता है होली क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक कहानी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जो होली त्योहार होता है वो बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी। एक समय की बात है, हिरण्यकश्यप एक राजा थे, बहुत ज्यादा तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को आप लोग जानते हैं? भगवान ब्रह्मा को वो खुश कर देते हैं, उसके बाद वो प्रकट होते हैं भगवान ब्रह्मा हिरण्यकश्यप के सामने और कहते हैं कि वत्स वरदान मांगो, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। तो जो हिरण्यकश्यप थे वो वरदान मांगते हैं कि मैं अमर हो जाऊँ, मैं कभी मरूं नहीं, मैं अमर हो जाऊँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये वरदान तो मैं आपको नहीं दे सकता। तब वो दूसरा वरदान मांगते हैं, अच्छा आप ये वरदान नहीं दे सकते हैं तो मुझको वरदान दीजिए कि इस पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी जीव जंतु आदमी कोई भी मुझको मार ना पाए, कोई मुझे मार ना सके, और देवता देवी दानव कोई भी मुझे मार ना पाए, मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, मैं ना शाम को मरूं ना सुबह मरूं, ऐसे ना रात में मरूं, मतलब ऐसे करके बहुत मतलब वरदान मांग लिए जिससे कि वो किसी भी समय मर ही ना पाए ना। उसके बाद जब ये वरदान उनको मिल गया तो वो अपने आप को भगवान समझने लगे। कौन? हिरण्यकश्यप। जो हिरण्यकश्यप थे जब ये वरदान ब्रह्मा जी से पा गए कि मैं किसी के भी द्वारा ना मर पाऊँ, ना जानवर से ना इंसान से, तो वो अब सोचे कि अब तो मैं अमर हो ही गया हूँ, वो अपने आप को भगवान समझने लगे और अपने प्रजा को अपने जो उनकी प्रजा थी उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे और कहने लगे कि जैसे तुम लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हो उनकी मूर्ति बना करके, वैसे तुम लोग उनकी पूजा मत करो, मेरी पूजा करो। हिरण्यकश्यप अपने प्रजा से बोलने लगा और जो उसकी पूजा नहीं करते थे उसके साथ बहुत सारा अत्याचार करते थे ना। उसके बाद उनके घर में हिरण्यकश्यप के घर में उनका एक बेटा जन्म लिया जिसका नाम प्रहलाद था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा पुजारी था भगवान विष्णु का। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि जो प्रहलाद है उनका बेटा, वह हिरण्यकश्यप वह विष्णु को, भगवान विष्णु को बहुत मानता है, वह उनकी पूजा करता है, तो वो एकदम बौखला उठा और प्रहलाद को कई बार क्या कहते हैं ये चेतावनी दी कि तुम विष्णु की पूजा मत करो, वो कोई भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा किया करो। लेकिन प्रहलाद हंस देता था, उसके बाद उनकी बातों को मानता ही नहीं था। वो प्रहलाद से, जो हिरण्यकश्यप था वो प्रहलाद से एकदम परेशान हो गए और यहाँ तक कि अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए कई उपाय सोचने लगे, कभी खाई में गिराना तो कहीं गिराना, कभी खंभे में बांधना, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से जो प्रहलाद थे वो बच जाते थे। और अंत में तंग आकर के जो हिरण्यकश्यप थे बहुत परेशान हो गए और उनकी बहन होलिका नाम की उनकी बहन थी, तो वो अपनी होलिका नाम की बहन को बुलाए और जो उनकी बहन होलिका थी उनको एक वरदान प्राप्त था कि वो आग में, अगर जलते हुए आग में बैठेंगी तो जलेंगी नहीं। उनके पास एक ऐसा कंबल टाइप में था, उनको वरदान में मिला था, अगर वो ओढ़ करके उस आग में बैठेंगी तो वो जलेंगी नहीं। तो इस बात का फायदा उठाना चाहते थे हिरण्यकश्यप उनके भाई। तो हिरण्यकश्यप तो प्रहलाद को मारना ही चाहते थे ना। उसके बाद होलिका, जो होलिका थी, होलिका के दिन
ऐसे बहुत सारा आग जल रहा था, उसमें योजना बनाए हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप योजना बनाए होलिका को, बोले कि तुम मेरे बेटे प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ जाना, तुम तो जलोगी नहीं, प्रहलाद जल जाएंगे, इसी तरह से वो मर जाएगा। उसको मारने के लिए ये योजना बनाए। फिर क्या होता है, अगले दिन होलिका खूब धधकते हुए आग में, खूब तेजी से आग जल रहा था उसमें, उसमें प्रहलाद को लेकर के बैठती हैं। उसके बाद आग जलने लगता है, फिर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और प्रहलाद की रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं, वो जो कंबल ओढ़ के बैठी थी होलिका, उसको अपने आशीर्वाद से उड़ा करके प्रहलाद के ऊपर कर देते हैं। इससे प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका जल जाती हैं। तभी से होलिका और होली वाला त्यौहार मनाया जाने लगा। तो इससे क्या सीख मिलती है कि कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। तो आप लोगों को समझ में आया, इसीलिए एक दिन पहले जब होलिका मनाया जाता है तो वहाँ पर गांव की औरतें और लोग सब लोग जाकर के पूजा करते हैं, और उसके एक दिन बाद होली मनाया जाता है जो कि रंगों का त्यौहार होता है। एक दूसरे को गुलाल लगा करके, रंग लगा करके लोग अपना खुशी जाहिर करते हैं। तो बच्चों, अब हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों के गांव में या आप लोगों के घर में होली कैसे मनाया जाता है, किस तरीके से मनाया जाता है। मैं हमारे यहाँ पूड़ी बनता है, पनीर बनता है और चावल बनता है। हाँ, ये तो खाने के लिए बनता है। और कैसे मनाती हैं, सुबह से क्या करती हैं? मैं नहा धो के सबको, सुबह ही नहा लेती हैं? मैम फिर सबको लगाते हैं, बड़े जो हमसे बड़े जो रहते हैं उसको लगा के पैर छूते हैं रात को। फिर जो हमारे बराबर है उसको हम लगा के गले मिलते हैं। बहुत अच्छा। और गांव में भी मिलने जाती हैं सबके यहाँ? यस मैम। और क्या क्या खिलाती हैं जो आपके यहाँ आते हैं? मैम गुजिया खिलाते हैं, जो बड़े रहते हैं वो खिलाते हैं, चिप्स पापड़ वगैरह। यस मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिट डाउन। और कौन बताएगा? मैम हम सबसे पहले सुबह उठते हैं, घर का साफ सफाई करते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर चाय पी के फिर अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। फिर दूसरी टाइम सब पहले मम्मी पापा को रंग लगा के पैर छूते हैं। फिर गाँव में जाके जो हमसे बड़े रहते हैं उनको रंग लगा के पैर छूते हैं। जो हमसे रंग लगा के अबीर लगा के पैर छूते हैं, जो हमसे छोटे लगते हैं छोटे रहते हैं उनको अबीर लगा के गले मिलते हैं। अच्छे अच्छे पकवान जो घर आते हैं उनको चिप्स पापड़ कचौड़ी उचौड़ी जो बना रहता है वो खिलाते हैं। बहुत अच्छा। तो इस तरह से मनाया जाता है। चलिए बैठ जाइए। विनीता आप बताइए। बताइए, थोड़ा तेजी से बताइए तब सुनाई देगा। और कोई अपने छोटे से पहले लगा के गले मिलते हैं। हाँ, बैठ जाइए। और किसी किसी के गांव में मिट्टी उट्टी डाल के भी होली खेलते हैं। किसके गोबर मिट्टी वगैरह डाल के, ये गंदी बात है ना, किसके यहाँ खेलते हैं? किनकी? आरव की? अंश की? अंश बताइए आप कैसे होती है आपके यहाँ होली। मंटू आप बताइए, शर्मा आ रहे हैं। चलिए दीपिका आप ही बताइए। मैम हमारे घर में सब खेलते हैं होली, पर जो बड़े रहते हैं वो नहीं। और हमारे घर में बहुत सारे सामान बनते हैं खाने के लिए वगैरह वगैरह, सब चीज बनते हैं और सब खाने पे ज्यादा जोर देती हैं। Yes, उसके बाद जब खावा लेती हैं तो खेलने पे जोर देती हैं। पकड़ पकड़ रंग से भी खेलती हैं। Yes, है, तो जब रंग से खेल लेती हैं, जब छुड़ाने का टाइम आता है, छूटता है कि नहीं? छूटता है, बहुत मुश्किल से छूटता है ना। सब लोग सामने देखिए,
इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अबीर से सिर्फ खेलते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रंग से भी खेलते हैं। और रंग से नहीं खेलना चाहिए, अबीर से ही खेलना चाहिए, क्योंकि रंग बहुत नुकसान करता है। जो स्किन होता है उसे, जो चेहरा होता है वो जलने लगता है, जो त्वचा होती है, क्योंकि जो उसमें रंग में बहुत सारे केमिकल पड़े होते हैं, जल्दी छूटते नहीं हैं। और जो रंग से खेलते हैं वो पक्के रंग वाले कलर को लाते हैं ताकि छूटे ना, और पकड़ पकड़ के रंग लगाते हैं। आप लोगों को रंग से नहीं खेलना है, आप लोगों को अबीर से खेलना है। आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, आप लोग कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को जानकारी है कि रंग से खेलेंगे तो कितना नुकसान होता है। आंख में पड़ जाए तो आंख को दिक्कत करता है, और त्वचा पर रंग लगता है, जल्दी छूटता नहीं है, जलन जैसे होने लगती है। तो आप लोगों को तो पता है ना, तो आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोग रंग से नहीं खेलेंगे, आप लोग अबीर से खेलेंगे। जहां भी जैसा भी जिस तरीके का लगाना हो अबीर लगाइए। बच्चों, होली की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से होली खेलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।